नमस्कार। बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 की भारतीय टीम का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान के साथ धोनी का टीम के साथ एक मेंटोर के तौर पर जुड़ना सबसे ज्यादा लोगों को हैरान कर देने वाला था। धोनी के इस तरह से अचानक भारतीय टीम से जुड़ने पर क्रिकेट के फैंस हैरान तो थे ही, लेकिन वो हैरान होने से ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो जानते हैं कि धोनी का टीम से जुड़ना ही भारतीय टीम की वर्ल्ड कप में जीत की गारंटी माना जा सकता है। धोनी के टीम से जुड़ने के बाद कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने भी बीसीसीआई के इस कदम की सराहना की है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धोनी का टीम से जुड़ना बीसीसीआई को भारी पड़ सकता है। धोनी का टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का मेंटोर बनना विवादों में आ गया है। धोनी की नियुक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है। बीसीसीआई को एपेक्स काउंसिल को महेंद्र सिंह धोनी की टी20 विश्व कप के लिए मेंटोर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ शिकायत भेजी गई है, और इस शिकायत में लोढ़ा समिति की सिफारिशों के हितों के टकराव के नियमों का हवाला दिया गया है। आपको बता दें, ये शिकायत मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के पूर्व आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने की है। उन्होंने शीर्ष परिषद के सदस्यों को एक पत्र लिखकर भेजा है और कहा है कि धोनी की नियुक्ति हितों के टकराव के नियमों का उल्लंघन है, जिसमें एक व्यक्ति दो पदों पर काबिज नहीं हो सकता। बता दें, गुप्ता पहले भी खिलाड़ियों और प्रशासकों के खिलाफ हितों के टकराव की कई शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, हाँ, गुप्ता ने शीर्ष परिषद के सदस्यों को एक पत्र भेजा है जिसमें सौरभ गांगुली और जय शाह शामिल हैं। उन्होंने बीसीसीआई के संविधान की धारा 38(4) का हवाला दिया है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति दो अलग अलग पदों पर काम नहीं कर सकता। शीर्ष परिषद को इसके प्रभावों की जांच के लिए अपनी कानूनी टीम से परामर्श की जरूरत होगी। धोनी एक तरफ टीम के खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय टीम के मेंटोर भी होंगे, जिससे सवाल उठते हैं और इसके लिए स्पष्टता की जरूरत है। धोनी इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान भी हैं। बता दें, धोनी ने पिछले साल 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि वो अभी चेन्नई के कप्तान हैं और आईपीएल में खेलते हैं। टीम इंडिया ने धोनी की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। वहीं अब देखना होगा कि शिकायत के बाद धोनी टीम के मेंटोर बने रहेंगे या हटा दिए जाएंगे।